सिंघु बॉर्डर पे आप सबके करीब हूँ और जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। आज लोहड़ी का त्यौहार है। लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मुसलमान कम्युनिटी से आती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हो सकता है आप लोग अगर यूट्यूब पर एक्टिव है तो आपने मुझे कहीं ना कहीं देखा होगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार आप जिस तरह हमें बांटना चाहते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी टुकड़ा टुकड़ा गैंग बताकर, कभी किसी तरह, तो आपको खुली दावत है कि आप सिंघु बॉर्डर पर आएँ और यहाँ का खूबसूरत कल्चर देखें। मैं सिर्फ सिंघु बॉर्डर पर हूँ, रात है। और मोदी जी, हमें आपकी कोई भी डिमांड, कोई भी वीक नहीं चाहिए। हम बड़े आराम से बैठे रहे क्योंकि हम तय कर आए कि हम बिल वापस करवाएंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आगे चुग्गा फेंका कि वो होल्ड पे डाल देती है बिल। तो आप होल्ड वाली बात पे बिल्कुल मत आइए कि आपको झांसा दिया जा रहा है। अभी स्टे ले देंगे, आप लोग घरों को वापस चले जाएंगे, बाद में कह देंगे हमने स्टे हटा दिया और बिल लागू हो जाएगा। तो मोदी जी, मेरे भारत का डिजिटल किसान है, आप इसको सन 47 वाला भूखा नंगा किसान समझने की इतनी सी भी गलती मत करें, क्योंकि ये डिजिटल किसान है तो इनकी औलादे भी डिजिटल है। आप कहते हैं ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, एनेडियन है, कैनेडियन है, आलिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी है, तो नहीं मोदी जी, ये कहीं के नहीं है, डिजिटल युग के हैं। हाँ, ये वाली बात है कि अगर मेरे पंजाब के किसान पर आप अटैक करेंगे तो आपको चीखे कनाडा में सुनाई देंगी, ऑस्ट्रेलिया में सुनाई देंगी, ब्रिटेन में सुनाई देंगी। अब अगर आप ये परेशान है कि क्यों सुनाई देंगी, तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, कनाडा में इन किसान भाइयों के हमारे बच्चे, हमारे भाई सब पढ़ते हैं, जो वहाँ से हमारे लिए आवाज उठाते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से कहूंगी कि आप सुप्रीम कोर्ट वाली बात पर इतना सीरियस मत होना, ये आपके आगे चुक्का डाला गया है ताकि आपको बेवकूफ बना दिया जाए। आपने देखा जो कमेटी बनाई है वो चार लोग वही है जो कमेटी जो है वो इस बिल का समर्थन कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। तो आप उनके चुक्के में बिल्कुल भी मत आइए, उनके झांसे में बिल्कुल भी मत आइए और कहिए कि ये सत्ता की लड़ाई नहीं है मोदी जी, रोटी की लड़ाई है। हम लोग जनपथ पे जाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम राजपथ पे जाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम दिल्ली आने के लिए लड़ रहे हैं, हम इस बिल के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम रोटी बचाना चाहते हैं, हम अन्नदाता हैं। मैं भी पीछे से एक किसान हूँ, वो बात अलग है कि मैं शाहीन बाग से बहुत ज़्यादा बदनाम कर दी गई। और जब शाहीन बाग शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो हमें सपोर्ट मिली थी, जो जत्था आया था, तो वो मेरे सरदार भाइयों का पंजाब से आया था। और जैसे आपने देखा कि शाहीन बाग को भी कैसे हटाया, दादागिरी से कोरोना वायरस फरीद के लाए, फिर उसको मुसलमान करा मरकज पे जाकर, फिर हमें हटा दिया। अब सेम ऐसे ही कोरोना पार्टी लेकर आ गए हमारे लिए कि देखो बड़ा भयंकर वाला कोरोना है। अब वो कोरोना का है हमें तो नजर नहीं आता, हम सब एक से एक साथ खड़े यहाँ नहीं होगा, लेकिन हॉस्पिटल में कोरोना नजर आ जाएगा। इनके नेता, इनके लेकर जो लीडर, जो ऑलरेडी स्विट्जरलैंड के अकाउंट में रहते, इतनी सिक्योरिटी में रहते, इनको कोरोना हो जाता है। तो ये टेरर है जो हमें बेवकूफ बनाने के लिए करा जा रहा है। हमें आपस में इसी तरह यूनाइटेड होना है, हमें भड़काऊ भाषण भी नहीं देने, हमें किसी भी इनकी पार्टी का झंडा भी नहीं जलाना, हमें मुर्दाबाद के नारे भी नहीं लगाने। हम बीजेपी मुर्दाबाद कह सकते हैं लेकिन मोदी मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। हमारे लिए इज्जत की बात है ये कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं हो तो आप उन्हें गाली दो, चप्पल मारो, कुछ भी करो, लेकिन वो हमारी पहचान है। क्योंकि अगर जब दुनिया जानी जाती है, जब देखती है, तो कहती है भारत का प्रधानमंत्री है, तो हम बीजेपी की मुखालफत करेंगे, इनकी नीतियों की मुखालफत करेंगे, इस बिल की भी मुखालफत करेंगे। और हम ये नहीं कहेंगे कि हमें मॉडिफाई चाहिए, हमें मॉडिफाई नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बिल आपसे नहीं मांगा था, हमने आपसे एमएसपी मजबूत करने को कहा था। और भारत में टोटल जो किसान है इस वक्त 90-95 करोड़ है, और एमएसपी का फायदा मात्र 60 लाख किसानों को मिलता है। तो मोदी जी, आपको बड़े लेबर पेन होते हैं, आपकी पार्टी को होते हैं, आपके तमाम चाटुकारों को होते हैं, आप बिल मजबूत करिए ना, आप किसान मजबूत करिए ना, आप एमएसपी मजबूत करिए ना, आप मंडी मजबूत करिए ना। आप क्या कह रहे कि नहीं भाई ये फायदे के बिल हैं, जिन लोगों ने गमले में धनिया नहीं उगाया आज हमें फार्मिंग के फायदे बता रहे हैं, जिनके पास ना जमीन है, ना जमीन है वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये सारे देशद्रोही बैठे हैं। तो आंखें फोड़ कर देखो, ये कुछ किसान नहीं है, ये सारे किसान है, पूरा भारत यहाँ बैठा हुआ है और ये लास्ट मोमेंट तक बैठा रहेगा, क्योंकि ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये रोटी की लड़ाई है। तो ये मेरे भारत के भगवान है क्योंकि ये अन्नदाता है, तो आप इनको इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर इस बार ये वाला बिल कुचल दिया गया या ये वाला कानून वापस
नहीं लिया गया, तो आप तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप यकीन करिए भारत में लोकतंत्र नाम की चिड़िया फुर हो जाएगी, आप गुलाम बन जाएंगे। तो ये किसान आपको बचाने के लिए आया है, रोटी को बचाने के लिए आया है, ये आप पूरे भारत को बचाने के लिए आया। तो जो बेवकूफ लोग ये सोच रहे हैं कि सड़कों पर बैठा हुआ किसान बावला है, उसको तमीज नहीं है, तो वो जरा अपने कान और दिमाग के ढक्कन खोल ले। ये किसान उनको बचाने के लिए आए और रोटी को बचाने के लिए आए। बस मैं लास्ट में यही कहूंगी कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये हिंदू है ये मुसलमान है, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल।